वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला में हम लोग टाइप्स ऑफ डीएनए की बात करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे उसके कॉइल उसके पोजीशन के बेसिस पर उनको डिवाइड किया गया है। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को एक मोटिवेशन मैसेज देते हैं, और आज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से कि आप जो भी यूनिट पढ़ें उसके एमसीक्यू जरूर पढ़ें। साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे तो एक साथ तैयार होता जाएगा और वो लास्ट में आपकी मदद करेगा। इसी तरीके से आप लोग प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आज की पाठशाला की हम लोग बात करें तो आज की पाठशाला में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ डीएनए, एंड देयर इज 5 टाइप्स ऑफ डीएनए। देखिए, हमें टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ना है, हमें टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ना है, ठीक। और ये जो टाइप्स ऑफ डीएनए होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कैसे? ए बी सी डी जेड, ए बी सी डी जेड, ठीक। ये क्या होते हैं? 5 प्रकार के डीएनए होते हैं, और इन डीएनए का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या हम डिस्ट्रीब्यूशन कहें, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कहें, वी कैन से दैट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल के जैसा ही होता है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस आता है? इनके बेस पेयर में डिफरेंस आता है। किसमें डिफरेंस आएगा? बेस पेयर में डिफरेंस आएगा। उसके बाद इनके कॉइल फॉर्म में डिफरेंस आएगा, ठीक। उसके बाद इनके पिच डिफरेंस या प्लेस कैसा उसमें आएगा, ठीक। डायरेक्शन, ठीक, डायरेक्शन में चेंज आएगा, या तो एंटी होगा या तो क्लॉकवाइज होगा, ठीक, लेफ्ट हैंडेड होगा या राइट हैंडेड होगा, ठीक। इस तरीके से इनका डिवीजन होता है, बेस पेयर के रेफरेंस में, कॉइल फॉर्म के रेफरेंस में, पिच पेस के डिफरेंस में, और डायरेक्शन कैसा साइडेड होगा, लेफ्ट हैंडेड साइडेड होगा या राइट हैंडेड साइडेड होगा। चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ डीएनए इज अ एडीएनए, ओके, आराम से देखेंगे। चलिए, हम कह रहे हैं एडीएनए, ठीक। थोड़ा सा अगर हम देखिए, थोड़ा सा अगर हम बात करें, जो बी डीएनए होता है अगर हम उसको ड्राई फॉर्म में ले आए, ठीक है, अगर उसे हम ड्राई करते हैं तो वो ऑटोमेटिक एडीएनए में चेंज हो जाता है, ठीक। तो एडीएनए क्या होता है बेसिकली? कैसा होता है बेटा? राइट हैंडेड डीएनए होता है। कैसा होता है? राइट हैंडेड डीएनए होता है, ठीक, राइट हैंडेड डीएनए होता है, ठीक। डबल कॉइल्ड हेलिकल होता है, डबल कॉइल्ड हेलिकल होता है, ठीक। जो इसकी पिच स्पेस होता है, पिच स्पेस होता है, ठीक, अगर वो एक चक्कर पूरा कर ले, अगर वो एक चक्कर पूरा कर ले तो एक हेलिकल में, हेलिक्स में चेंज हो जाता है, ठीक। इसमें जो बेस पेयर होते हैं वो बेसिकली 11 कॉइल्ड न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 11 कॉइल्ड न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इतनी बात याद रखना, ठीक। राइट हैंडेड डीएनए होता है, डबल कॉइल्ड हेलिकल होता है, पिच स्पेस अगर एक फेरा पूरा कर जाएगा तो एक हेलिकल, एक एक हेलिकल स्ट्रैंड इसका बनता है। बेस पेयर क्या होते हैं? 11 कॉइल्ड न्यूक्लियोटाइड होते हैं। राइट हैंडेड का मतलब क्या? कि राइट हैंडेड साइड पे ज्यादा क्या होता है? बेंट होता है। क्या होता है? बेंट होता है। इसका मतलब ये होता है जो झुकाव होगा न्यूक्लियोटाइड का, स्ट्रैंड का जो झुकाव होगा वो राइट हैंडेड साइड क्या होता है? ज्यादा होता है। That's why it's also known as a DNA or a right-handed DNA. ठीक, अगर हम इसके आगे की बात करें, अगर हम इसके आगे की बात करें, BDNA. BDNA is given by
वॉटसन एंड क्रिक, ओके 1948, ठीक। और बी डीएनए को क्या कहते हैं, राइट हैंडेड डीएनए भी कहते हैं, यानी कि ये राइट हैंडेड डीएनए भी कहते हैं। वी कैन सी डेट क्लॉकवाइज डीएनए या क्लॉक हैंडेड डीएनए ये भी कह सकते हैं, क्लॉक हैंडेड डीएनए, ठीक। बी डीएनए जो होता है, बी डीएनए जो होता है, ठीक, वो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में यूज किया गया था, ठीक। मॉडल में क्या किया गया था, यूज किया गया था। जो हम डीएनए की संरचना पढ़ते हैं वो वास्तव में क्या होता है, बी डीएनए होता है, ये बात याद रखना। वो क्या होता है, वास्तव में बी डीएनए होता है, ठीक। क्लॉकवाइज डीएनए का मतलब क्या होता है कि ये जो होगा राइट हैंडेड डीएनए होता है। राइट हैंडेड मतलब होता है कि वो राइट हैंड साइड क्या होता है, ज्यादा बेंट होता है, ठीक। इसमें जो बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर होते हैं वो कितने होते हैं, 10.9, ठीक। इनमें जो बेस पेयर होते हैं 10.9 होते हैं, और इनमें इनके कुंडलन में या हम ये कहें पिच स्पेस जो होता है इनका, वो होता है 32 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो इनका जो बेस पेयर होता है 10.9 होता है, पिच स्पेस या कुंडलन का जो अंतराल होता है जो एक फेरा पूरा करता है वो इस तरीके से, वो जो होता है इसके बीच की, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, 32 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक। तो याद रखिएगा जो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो डीएनए होता है, और बी डीएनए इज अ कॉमन एंड नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए गिवन बाय द वॉटसन एंड क्रिक, और इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं, द मोस्ट प्रोमिनेंट डीएनए इज द जेड डीएनए और बी डीएनए, और बी डीएनए से यही पूछा जाता है कि डीएनए की संरचना में कौन सा डीएनए होता है, इट इज अ बी डीएनए, एंड द मोस्ट सेकेंड प्रोमिनेंट डीएनए इज द जेड डीएनए इज अ, सॉरी अभी तो सी डीएनए भी बाकी है, पहले आराम से देखते हैं। सी डीएनए, सी डीएनए इज अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, एंड ये जो डीएनए होता है इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे राइट हैंडेड डीएनए कैसा होगा, राइट हैंडेड डीएनए होगा, राइट हैंडेड डीएनए में राइट हैंड साइड ज्यादा बेंट होगा, ज्यादा झुका होगा उसके बेस पेयर का, स्ट्रेंथ का, तो राइट हैंडेड डीएनए होते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द क्लॉक वाइज हैंडेड डीएनए, क्लॉक वाइज हैंडेड डीएनए, ठीक। क्लॉक वाइज हैंडेड डीएनए मतलब क्या होता है, वही क्लॉक वाइज यानी राइट हैंडेड डीएनए, ठीक। इनके जो बेस पेयर होते हैं बेसिकली कैसे होते हैं, इनके जो बेस पेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, 11, ठीक, 11 बेस पेयर पाए जाते हैं, ठीक। पिच स्पेस जो होता है इनका वो कैसा होता है, 19 एंगस्ट्रॉम, वो कैसा होता है, 19 एंगस्ट्रॉम। तो सी डीएनए का बेसिकली एक और मैं देखो हमें याद आ गया, आप लोगों को बता दें, सी डीएनए इज अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आजकल जितनी टेक्नोलॉजी है, और खासतौर से जीनोमिक लाइब्रेरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही आपके सिलेबस में ना हो लेकिन कभी पूछ लिया जाए, ठीक। कभी किसी भी टेक्निक्स में पूछे जाए, तो लास्ट यूनिट है 12th की, तो जीनोमिक लाइब्रेरी में इसका यूज किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री है तो बेसिकली न्यूनतम टेक्नोलॉजी में यूज किया जाएगा और जीनोमिक लाइब्रेरी में यूज किया जाएगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं, डेट इज द डी डीएनए, डी डीएनए, ठीक। डी डीएनए क्या होता है, जितने डीएनए है जेड डीएनए को छोड़कर के सारे डीएनए कैसे होंगे, राइट हैंडेड डीएनए होंगे, ठीक। इट इज ऑल्सो नोन एज ए राइट हैंडेड डीएनए, दाहिने कुंडलन जो होंगे की ओर ये डीएनए होगा, तो दाहिने कुंडलित डीएनए होता है, हिंदी इसकी होती हैंडेड डीएनए, ठीक। राइट हैंडेड डीएनए होता है कैसा होगा, क्लॉकवाइज डीएनए, राइट हैंडेड है तो क्लॉकवाइज डीएनए भी होता है। बेस पेयर कितने होते हैं, बेस पेयर होते हैं 8, ठीक। डी को अगर हम बनाते हैं, अगर ना याद रहे किसी को, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, डी को याद रखना, डी को अगर ऐसे करते तो क्या बनता है, 8, तो डी के अंदर 8 है, इसलिए इसमें बेस पेयर कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक। पिच स्पेस या पिच डिफरेंस जो होता है इसमें, पिच स्पेस वी कैन से दिस और अ डिफरेंस,
कितना होता है? ये होता है 31 एमस्ट्रॉन्ग का, ठीक। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम याद करें कि मोस्ट प्रोमिनेंट डीएनए इज अ जेट डीएनए एंड द जेट डीएनए इज अ एंटी क्लॉक डीएनए और अ जिग जैग डीएनए एंड वी कैन से दैट अ जेट डीएनए, ठीक। जेट डीएनए इज अ मोस्ट प्रोमिनेंट डीएनए एंड इट इज आल्सो नोन एज अ एंटी क्लॉक वाइज डीएनए, इट इज नोन एज अ एंटी क्लॉक वाइज डीएनए, ठीक। ये जो डीएनए होता है एंटी क्लॉक वाइज डीएनए होता है, ठीक। इट इज ऑल्सो नोन एज अ लेफ्ट हैंडेड डीएनए। आपसे मोस्ट प्रोमिनेंट एमसीक्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन लेफ्ट हैंडेड डीएनए, लेफ्ट हैंडेड डीएनए, ठीक। इट इज ऑल्सो नोन एज अ जिग जैग डीएनए, इट इज ऑल्सो नोन एज जिग जैग डीएनए। जिग जैग डीएनए क्यों? क्योंकि उनके जो क्वाड हेलिकल होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कैसे होते हैं? टेढ़े मेढ़े होते हैं, इस तरीके से टेढ़े मेढ़े होंगे, तो वो जिग जैग मोशन में होते हैं, इस वजह से जिग जैग डीएनए भी कहते हैं, ठीक। ये जो डीएनए होता है बेसिकली इनके न्यूक्लियोटाइड के टेढ़े मेढ़े होने के कारण से जिग जैग डीएनए कहते हैं। और इसमें बेस पेयर कितना होता है? 12 बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं। इसकी खास विशेषता होती है, इसकी खास विशेषता क्या होती है कि इसमें ब्रेक, ठीक। इसका जो पिच स्पेस होता है कितना होता है? 69 एमस्ट्रॉन्ग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेट डीएनए, जिग जैग डीएनए, लेफ्ट हैंडेड डीएनए, एंटी क्लॉक डीएनए, बेस पेयर कितने होते हैं? 12 होते हैं। एलेक्जेंडर रिच एवं उनके जो फ्रेंड्स थे, सहयोगियों ने क्या किया था? जेट डीएनए को खोजा था। ये जो डीएनए होता है बेसिकली क्या होता है कि यह ड्रोसोफिला की सलेबरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियों में, ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में पाया जाता है। ठीक। उसके बाद इसके खास विशेषता क्या है, कहाँ बता दें? चलिए नीचे आ जाइए, पास आ जाओ। इसकी खास विशेषता क्या होती है कि यह इन वाइट्रो कंडीशन में पाया जाता है। अब ये टर्म नया है, नहीं पता होगा, इन वाइट्रो कंडीशन में पाया जाता है, इन वीवो में नहीं। देखिए, इन वाइट्रो का मतलब क्या होता है? इधर लाओ, ये जो डीएनए है, ठीक, ये जीनोम के, ठीक है, ड्रोसोफिला के जीनोम के सलेबरी ग्लैंड में पाया जाता है, लेकिन इन वाइट्रो कंडीशन में। इसे इन वाइट्रो का मतलब क्या होता है? डीएनए इज मेड इन अ लेबोरेटरी मेथड। जिस डीएनए को किसी टेक्निक के द्वारा लैब में बनाया जाता है, डेट इज अ इन वाइट्रो। इन वीवो का मतलब होता है नेचुरल तरीके से है डीएनए, दैट इज अ इन वाइवो। इन वाइट्रो का मतलब होता है कोई भी चीज, ना कि सिर्फ डीएनए, कोई भी ऐसी चीज जो, ठीक है, और कोई भी ऐसी चीज जो लैब में बनाई जा रही डीएनए है, जो लैब में प्रोड्यूस किया जा रहा है किसी टेक्निक के थ्रू, वो जो होती है टेक्निक और प्रोसेस होता है, दैट इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज इन वाइट्रो। और जो नेचुरल है उसे बोलते हैं इन वाइट्रो। तो ये क्या होता है? इन वाइट्रो कंडीशन में पाया जाता है, इन वीवो में नहीं। इस तरीके से जेट डीएनए होता है, ठीक, इस तरीके से कुछ जेट डीएनए होता है। तो आज की पाठशाला हमने समझने क्या प्रयास किया? टाइप्स ऑफ डीएनए, पोजीशन के आधार पर, उसके क्वाइल्ड हेलिकल पोजीशन के आधार पर, उसके बेस पेयर के अकॉर्डिंग और एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या पर्टिकुलर उसके बेस पेयर होते हैं, क्या पिच स्पेस होता है, ठीक।
आगे की पाठशाला में जो आगे टॉपिक है उसकी बात करेंगे, ठीक है। मेनली क्या हो सकता है, सेंट्रल डॉग्मा का प्रोसेस आ सकता है आगे, ठीक, तो उसकी बात करेंगे। अगर आज की पाठशाला समझ में आई हो बच्चों, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रणाम।